वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रुप स्टडी। मैं आज आपको साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें क्या होता है? तो अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 होता है। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ पेट्रोल भी कहा जाता है। अम्लीय वर्षा की खोज रॉबर्ट स्मिथ ने की थी। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5 से लेकर 5.6 के बीच होता है। अब आपके मन में बात आई होगी कि ये पीएच मान क्या होता है। तो पीएच मान यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसमें एक पीएच स्केल होता है जिसमें जो तत्व होता है उसकी अम्लता या क्षारता के बारे में बताया जाता है। अगर तत्व की जो संख्या है वह 0 से लेके 7 के बीच होती है तो वह तत्व अम्लीय कहलाता है, और अगर 7 से अधिक होती है तो वह तत्व क्षारीय कहलाता है। और अगर किसी तत्व की पीएच मान 7 आता है तो वह तत्व उदासीन कहलाता है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, तो इसका राइट आंसर होगा अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। यानी उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति पदार्थ की उपस्थित मात्रा से अधिक हो जाती है तो वह उत्प्रेरक कहलाता है। उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता है बल्कि क्रिया की गति के समान प्रवाहित करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। मच्छर भगाने वाली दवा सक्रिय रसायन है। यानी मच्छर को भगाने वाली कौन सी दवा एक सक्रिय रसायन है? तो मच्छर को भगाने वाली जो एलिथीन दवा होती है वह एक सक्रिय रसायन कहलाती है। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। एलिथीन का रासायनिक सूत्र C19H26O3 होता है। जो एलिथीन है इसका क्वथनांक 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। पेसमेकर का क्या कार्य होता है? तो पेसमेकर दिल की धड़कन का प्रारंभ करना, यानी जो पेसमेकर होता है वह दिल की धड़कन को प्रारंभ करता है। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। पेसमेकर मानव हृदय को नियंत्रित करने में मदद करता है। आइए अब हार्ट के बारे में जानते हैं। जो मानव का एक स्वस्थ हृदय होता है वह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मानव के जो हृदय होता है उसमें 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय।
इसमें जो ऊपर के दो कक्ष होते हैं वह आलिंद कहलाते हैं, जबकि नीचे के जो दोनों कक्ष होते हैं वह निलय कहलाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। चूने की पुताई से उत्पन्न चमक किससे बनती है? तो चूने की पुताई से जो चमक उत्पन्न होती है वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनती है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक होता है। बुझे चूने को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पृष्ठ तनाव का परिणाम नहीं है? तो निम्नलिखित में से साबुन द्वारा कपड़ों से मैल का दूर करना एक पृष्ठ तनाव का परिणाम नहीं है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो शीशे के संचयन वाले सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का प्रयोग होता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लराज कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। टिंक्चर आयोडीन किस में आयोडीन का घोल है? तो टिंक्चर आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन का घोल है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए इससे बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। टिंक्चर आयोडीन आयोडीन और एथेनॉल का समांग मिश्रण होता है। यह कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड को KCl से प्रदर्शित करते हैं। इसका प्रयोग थायराइड की रक्षा के लिए किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस एक कार्बनिक यौगिक की गंध फलों जैसी होती है? तो निम्नलिखित में से जो एस्टर होता है उसकी गंध फलों के जैसी होती है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एस्टर। आइए इससे बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। एस्टर ऐसे रासायनिक यौगिक होते हैं जो अम्लों से उत्पन्न होते हैं। एस्टर का प्रयोग इत्र बनाने में किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, यानी
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। नाइक्रोम अर्ध चुंबकीय गुणों वाली मिश्र धातु होती है। नाइक्रोम निकेल क्रोमियम तथा लोहा से बना होता है। नाइक्रोम का प्रयोग प्रतिरोधक तार बनाने में किया जाता है। नाइक्रोम बिना पिघले उच्च ताप पर गर्म किया जा सकता है। यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत नहीं होता है। इसी के साथ आपकी ये वीडियो यहीं फिनिश होती है। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही में कमेंट करके बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।